हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बारिशों का मौसम तो जैसे चल ही रहा है, तो आज हम बनाएंगे आलू प्याज पकोड़े। तो चलिए आना, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं आलू प्याज पकोड़ा। ये देखिए, एक बाउल में मैंने 3 कटोरी बड़ी वाली बेसन ले लिया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना रहे। बेसन हमारा घुल गया है, आप देख सकते हैं। बहुत नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखी है, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा रखा है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले अजवाइन डालूंगी 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करूंगी इसमें, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी, हाफ टेबल स्पून पकौड़ा मसाला डालूंगी, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालूंगी, 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर डालूंगी और इन सबको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। बेसन में मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं अच्छे से। यहाँ 3 प्याज मैंने लंबी लंबी डाइसेस में कट करके ले लिए हैं और 3 ही आलू ले लिए जिनको छोटी छोटी डाइसेस में कट किया है। अब इन दोनों को मैं मिक्स कर लूंगी, अनियंस को और आलू को, और इनके ऊपर मसाला स्प्रिंकल करूंगी। 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालूंगी, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी, हाफ टेबल स्पून अमचूर डालूंगी और हाफ टेबल स्पून पकौड़ा मसाला डालूंगी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अभी आलू प्याज जो मैंने मिक्स किया है ये बेसन में, इनको ऐड कर देंगे। आलू प्याज में जो नमक मसाले ऐड किए हैं इनको इसके बीच में ऐड कर देंगे। यहाँ एक साइड पे मैंने कढ़ाई में तेल गर्म करने रख दिया है। इसको डालने के बाद अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे बेसन में और 2-3 मिनट तक इसको बीच में रहने देंगे बैटर के। तेल हमारा गर्म है, अब हम पकौड़ा जो है इसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे। मैं मीडियम साइज के बना रही हूँ, आप बड़े या छोटे भी बना सकते हैं। आई नो आप भी बनाते होंगे, बट एक बार मेरे साइज से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रेसिपी एकदम थोड़ी सी अलग है और आई होप आप ये ट्राई भी करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, पास में एक बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक साइड को हम थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने देंगे, उसके बाद इसकी साइड जो है चेंज करेंगे। एक साइड से पकोड़े हमारे सिक गए हैं, अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्पैचुला। इसको भी, दूसरी साइड को भी 2-3 मिनट तक ब्राउन होने तक सेकेंगे, फिर हम पकौड़ा को जो है वो बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं पकौड़े हमारे सिक गए हैं। अब मैं इन्हें स्पैचुला की हेल्प से कढ़ाई में से स्ट्रेन आउट कर दूंगी। ऐसे ही हम सेकंड लॉट भी पकोड़ों का जो है इसमें ऐड करेंगे। तेल हमारा आप देख सकते हो कितना अच्छे से गर्म है। ऐसे ही डालते जाएंगे पकोड़ा को और ब्राउन होते ही साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड सिकने के बाद उन्हें बाहर निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू प्याज पकौड़ा रेडी है। ग्रीन चिली के साथ में चटनी ली है, आप भी ये जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे बने हैं। ये देखिए, मैं एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छे और क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी पकौड़े। आप ये ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसे बने। थैंक यू।